हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारे डीआई सीरीज का 11th क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डिफरेंट है, सारे क्वेश्चंस अपने आप में अलग होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा एनटीए जेआरएफ दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ए से एफ की कुल जनसंख्या वितरण दी गई है, उनमें वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है और ए शहर की कुल जनसंख्या आपको दी गई है। अगर अब हमारे पास इतना डेटा है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है नॉन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ कितनी है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो है ऐसे तो देख के किया नहीं जाएगा, हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम देख लिए जो टोटल किसका दिया हुआ है, सिटी ए का, आपको देखा आपने, मैंने क्वेश्चन जब रीड किया था तो आपने अगर सुना हो ध्यान से, ये दिया गया है शहर ए की कुल जनसंख्या है 257,400। तो चलिए अगर हमें ए का पता चल गया तो हम टोटल जनसंख्या भी निकाल लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जनसंख्या का वितरण जो है शहर ए में कितना है, 23.4%। और 23.4% जो टोटल जनसंख्या का है वो 257,400 के बराबर है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि जो कुल जनसंख्या है वो है आपकी एक्स। तो हमें क्या करना होगा फर्दर, आप सबको दिख रहा है 23.4% है ना इसका वितरण, तो एक्स का 23.4% ये बराबर है 2,57,400 के। तो आप टोटल जनसंख्या कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये जो डेसिमल आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 257,400 इंटू में हो जाएगा 1,000 और नीचे हमारा आ जाएगा 234। अब आप जब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो अब आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो हमारा जो है ना 11 लाख के करीब आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास इतने के करीब आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए, आप इसे ना डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं या आप दोबारा से वो आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 से काटते हुए चले जाइए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 जीरो तो आएंगे ही, 234 को 11 टाइम्स आप कीजिए। देखिए आपको ना ये कैलकुलेशंस अब जो है खुद से करनी आनी चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 11 चौक 44 होता है, 4 33 और 4 37, फिर 3 और 11 दूनी 22 और 3 25। तो आपने देखा 22 74, तो हम ये जो है हमने कर लिया यहाँ पे। अब आप देखें कि जब आप इसे 11 टाइम्स करते हैं तो अब आपके पास यानी 234 को आप 11 टाइम्स इससे जो है ना काट सकते हैं डायरेक्ट। ये मैं आपको ना यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो 11 पे हमारे पास कितने जीरोस आ जाएंगे, 5। तो बेसिकली ये कहना है कि अब आपको अपने वो ट्रिक्स डेवलप करने पड़ेंगे कि आप कैसे शॉर्ट में मल्टीप्लाई करें। आप लंबे लंबे मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशंस को, डिविजन्स को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। टेबल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, 20 तक के टेबल को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने की आदत डालिए, 11 से, 13 से, 17 से। तो ये सारे काम अगर आप कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि हमारे पास ये कुल जनसंख्या आ गई ना, और हमें पूछा किसका है, सिटी एफ का। तो देख लेते हैं, अब आप सबके सामने पूरा टेबल है, देखिए 10.2% है जनसंख्या का वितरण और वयस्क है 72%। तो हमसे पूछा क्या गया, गैर वयस्क मतलब नॉन एडल्ट, हमसे क्या पूछा गया है, गैर वयस्क। तो अब एक बात बताओ, अगर वयस्क 72% है तो फिर गैर वयस्क कितने होंगे, ये तो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि गैर वयस्क कैसे निकालेंगे। 100 में से आप 72 को क्या कर दीजिए, माइनस। तो जब आपका ये वाला आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यानी 28% जो जनसंख्या है वो गैर वयस्क है, क्योंकि 72% वयस्क है। ठीक है, तो
तो अब हमारे पास कुल जनसंख्या है 11 लाख। अब आप इसका ना 10.2% निकालो। मेरे ख्याल से ये निकालना अब आपके लिए बहुत इजी होने वाला है ना। ये तो मैंने आपको बताया है कि जीरो वाले जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं वो कितने इजी होते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, गैर व्यस्क की जनसंख्या निकालें तो टोटल जनसंख्या का कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 लाख जो टोटल है, आपको दिख रहा है कायदा है 17,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 11 लाख का सबसे पहले आप निकालिए 10.2%। और जो चीज आएगी ना उसका गैर व्यस्क की कितनी आई थी, 28%, ठीक है ना। तो ये आप फर्दर इसे सॉल्व कर लो, तो आप देख सकते हैं ये वाला डेसिमल हटा दीजिए, 3 जीरो हो गया। देखिए 3 और 2, ये तो ये आपके पहले से ही 5 और 0, 5 और 0 कट गए। अब आपको क्या करना है, अपने मल्टीप्लीकेशन स्किल्स को यूज करना है और मुझे फटाफट से इसका आंसर बता देना है। तो अब आप देख सकते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करें, कैसे हमारे पास, हम किस तरीके से इसे सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप 11 से इसे कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 दुनी 22, ठीक है। और ये हमारा हो गया 11 22, और इसे आप अब 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। और आप लोग जरूर अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिए, आपका आंसर आना चाहिए इतना, 31,416। यानी जब हम CTF की बात कर रहे हैं तो हमारे पास गैर व्यस्क की जनसंख्या कितनी है, 31,416। क्या आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है सामने, तो अब आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर D है, वो हमारा क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिटी ए इज एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हमने सिटी ए की पॉपुलेशन देखी है ना, कितनी थी, 257,400। देखिए जो टोटल वाला डाटा है वो आप याद कर लीजिए, आपको बार बार मतलब, हाँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई गलत डाटा ना आप कॉपी कर लो, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें फटाफट से पता रहनी चाहिए कि सिटी ए का तो गिवन था 257,400। अब ये क्या पूछ रहा है सिटी डी, तो अब देखिए अब हमारे पास इतना तो पता है, सिटी ए की पॉपुलेशन पता चल गई, टोटल पॉपुलेशन हमें पता है 11 लाख आई थी, याद है, तो 11 लाख आई थी। और फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे पूछा है सिटी डी, तो सिटी डी की जो परसेंटेज है ना वो है, सिटी डी की कितना जनसंख्या वितरण है, सिटी डी का है 18.9%। तो फटाफट से आप 11 लाख का 18.9% निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18.9 और बट्टे में 100, एक डेसिमल हटा दीजिए, ये आ गया। अब देखिए कितना इजी सा कैलकुलेशन है, देखिए सिटी डी की पॉपुलेशन निकाल लीजिए, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है। आप सबसे पहले तो ये 3 जीरो हटा दीजिए, हटा दिया होगा, फिर उसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 11 9 क्या होते हैं, 99, 9 और 88। फिर आप इसे और फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो शहर डी की जो जनसंख्या आएगी वो कितनी आएगी बताइए, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो शहर डी की जनसंख्या कितनी आएगी, 2 जीरो तो चलो आप बाद में लगा दोगे, फिलहाल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे 2079 इतना आ जाएगा, और इस पे जो बचा हुआ 2 जीरो है ये भी लगा दीजिए, तो सिटी डी की जनसंख्या हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब आपको ना इसे फटाफट से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 11 9 99 कर दिया, 9 हासिल चला गया, फिर 11 8 88, फिर 9 जोड़ेंगे तो 97, फिर उसका 9 11 कम 11 और 9 20। तो मतलब ये जो है ना, ये आपको कैलकुलेशन आपका एक इंडिविजुअल स्किल है और इसे आपको डेवलप करना है। कभी कभी क्या होता है, तरीका पता है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यही प्रैक्टिस करनी है कि आप इन बड़े बड़े टेबल्स को यूज कर पाओ, बड़े बड़े नंबर से आप डिवाइड कर पाओ, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, तब जाके DI के क्वेश्चंस आप लोग जो है ना कम टाइम में कर पाओगे। तो अब आपने देखा सिटी डी का निकल गया, हमारी पॉपुलेशन निकल गई, कितनी निकल गई, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास निकल गया 2 लाख, ठीक है ना, 7,900 इतना आ गया सिटी डी का, और सिटी ए का कितना था, 257,000। ए शहर की जनसंख्या डी शहर की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो अब डी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है ना, तो अब हम क्या करेंगे जी, परसेंटेज निकाल लेंगे, किसका निकालना है,
सिटी ए का निकालना है सिटी डी के रिस्पेक्ट में, तो जो भी हमें परसेंटेज रिस्पेक्ट में निकालनी होती है वो हमारे अपॉन में यानी हर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2,07,900 था, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए, 2,07,900 ही हमने यहाँ पे उतारा है। और ऊपर हमारा ए का कितना था, 2,57,000 कितना था आगे, 400, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 100 कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके 2 जीरो चले गए। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये फिर थोड़ा सा आपका जो है ना, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा। 2 जीरो को अभी छोड़ दीजिए, 2,000, ये देखिए ये आपके पास 2,574 है, नीचे में 2,079 है। अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा कि 1 पे जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास एग्जैक्टली ये वाला आंसर आएगा, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 124%। यानी सिटी ए जो है कि जो जनसंख्या है वो सिटी डी से 124% ज्यादा है। तो अब आप देख सकते हैं आपका जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन समझ लिया होगा। प्लीज कैलकुलेशन खुद से कीजिए और अपने आंसर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सिटी सी टुगेदर एज अ परसेंटेज। अब आपको याद है कि हमने अभी देखिए, जो जो हम परसेंटेज, जो जो हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते जा रहे हैं, इन सब डेटा को आप सेव करते चलिए, इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब हमारे पास टोटल जनसंख्या आ गई है 11 लाख। अब हमने जो है ना क्या करना है, अभी हमने डी का निकाला था, अब हम बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे और दोनों को टोटल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला है, परसेंटेज निकालिए ऑफ ऑल 6 सिटीज टुगेदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले आप ना सिटी बी की पॉपुलेशन निकाल लो। तो फटाफट से देखिए, सिटी बी का वितरण है 21.6%, देखिए, और व्यस्क पॉपुलेशन पूछा है, तो सबसे पहले तो आप इसका वितरण निकाल लिए। तो 21.6/100 ये हो जाएगा टोटल का 11 लाख का। और फर्दर एडल्ट पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल 6 सिटीज। देखिए क्वेश्चन को इसमें किस तरीके से ट्विस्ट किया गया है, बहुत ही केयरफुली पढ़िए, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों के सामने दोबारा पढ़ रही हूँ। बी शहर और सी शहर की कुल वयस्क जनसंख्या सभी 6 शहरों की कुल जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो अब आप सबके सामने टेबल है, सिटी बी का जो जनसंख्या है वो इतना है, फिर उसने पूछा है वयस्क जनसंख्या कितनी है, तो सिटी बी में देखिए वयस्क है 68%। तो जो ये निकला ना, जितना भी ये निकला, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे हटा दीजिए ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहां से ऊपर में ही 2 जीरो जो है कैंसिल कर दिए हैं। अब आप देखिए ध्यान से, 21.6% ऑफ ये हो गया 11 पे 3 जीरो, ठीक है ना, 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। फर्दर आप इसका 68% निकालेंगे, तो 68% मतलब 68/100, फिर आप इसके 2 जीरो हटा दो। अब थोड़ा सा और ये देखिए, ये जीरो है ना, ये डेसिमल है, तो ये वैसे ही कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 216 × 11 × 68। जब आप इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपसे अब एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को बनाते आ रहे हैं और आपको जैसे जैसे सजेस्ट किया था कि इन सब की प्रैक्टिस करो, ऐसे मल्टीप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करो, तो अब आप इन सब कैलकुलेशंस को करेंगे और जो अब आपका आंसर आने वाला है बी का, ठीक है ना, तो बी का जो वयस्क की जनसंख्या है वो आ जाएगी आपकी 161568, ये आ जाएगी आपकी वयस्क की, सिटी बी के वयस्क की जनसंख्या आ गई। अब हमें निकालना है सिटी सी के वयस्क की जनसंख्या। तो अब हमें वयस्क, अब हम सिटी सी पे चल रहे हैं, तो अब आपको पता है सिटी सी है 8.4%। सबसे पहले तो 11 लाख लिख लो, ठीक है ना, हमने 11 लाख लिख लिया, फिर इसका हम 8.4% निकालेंगे, और फिर इसमें एडल्ट है 73%। कितने एडल्ट हैं आप देखिए टेबल पे देख लीजिए, कितने प्रतिशत हैं यहाँ पर सी में एडल्ट, 73%। 4 जीरो तो पहले ही काट दीजिए, फिर इसका अगर डेसिमल हटाना है तो ये वाला जीरो भी काट दीजिए। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 11 × 84 × 73,
जब आप सी का निकालेंगे व्यस्क की संख्या, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67,452। ठीक है, बी का कितना आया था, 1,61,61,568, और यहां पर हमारा आया 67,452। अब हमारे पास देखिए सिटी किस किस का निकाल लिया हमने, याद है ना, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। अब आप सबको एक चीज पे फोकस करना है, इसने पूछा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिक्स सिटीज, ठीक है ना, तो ऑल सिक्स सिटीज का जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका ये कितने परसेंट है। नाउ डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि ऑल सिक्स सिटीज का टोटल जनसंख्या कितना है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज आपके दिमाग में क्लिक कर गया और आप लोग एक्टिवली सोच पा रहे हो, बताओ कौन सा नंबर है जो टोटल जनसंख्या है इन पूरे 6 सिटीज का। तो आपको याद है ना, हमने अभी 11 लाख कैलकुलेट किया हुआ है, बस यही है टोटल जनसंख्या। अब आपको एक्चुअली ये बताना है कि ये जो नंबर आया, ये और उसका वो सिटी बी का, सिटी सी का, व्यस्क की जनसंख्या जो आई वो 11 लाख का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो आप टोटल करेंगे, बी प्लस सी कर लीजिए, तो कितना था वो आपको याद है, 161 था, 568 था, इसमें प्लस कर दीजिए 67,452। तो जब आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,90,20। ठीक है, मतलब 2,29,020, तो 22,90,20 आ गया। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे, 22,90,20 बटे में 11 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 और इंटू में 100 कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो और काट दीजिए, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आपको फर्दर इसे जो है 11 से डिवाइड करना है, तो आप अब आपका जो है ये कितना आएगा, 20.82%, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 21%। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही बना। तो आप सबको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो आपको राउंड ऑफ भी करना आना चाहिए, अगर 0.50 से ज्यादा है तो आप नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। 0.882 था, तो हमने इसे क्या कर लिया, नेक्स्ट हाइयर नंबर 21% हमारा परसेंटेज निकल गई। आपने इस क्वेश्चन में देखा ध्यान से कि क्वेश्चन जो है ना, ये कैलकुलेशंस हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो नॉर्मल थी, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। थोड़ी एक फैक्ट का हमें ध्यान रखना था कि टोटल जनसंख्या कहीं हम फिर से ना कैलकुलेट करने लगते, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि 11 लाख पूरे 6 सिटीज का टोटल पॉपुलेशन है, और बी और सी जो हमने निकाला था उसे हमें एड अप करना था, फिर हमें परसेंटेज निकालना था, बस इस क्वेश्चन का वही ट्रिक था। और बाकी जो मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप बड़े बड़े नंबर 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर लीजिए, उसे 11 से डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए, परसेंटेज आप निकालना सीखिए और डेसिमल्स में आंसर लाइए, फिर उसे राउंड ऑफ करना सीखिए। ये कुछ चीजें आपको सीखनी होंगी जिससे कि आपके डीआई के क्वेश्चंस जल्दी बने, फास्ट बने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे करते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सीटीसी। अब आपको याद है कि हमने एडल्ट पॉपुलेशन तो निकाल लिया, क्या पूछा है, एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सीटीसी। तो बताइए अभी हमने क्या निकाला था, सीटीसी का एडल्ट पॉपुलेशन कितना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का रेपिटेशन है ये। आपको याद है मैंने सिटी सी का निकाला है, यहीं पर आपके सामने ही निकाला है व्यस, तो कितना है, 67,452। अगर कोई मतलब इन सब डाटा को ध्यान से रखे, सेव करके रखे, तो आपने देखा ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है, नीचे ही वो दोबारा से क्वेश्चन पूछ दिया। कभी कभी इतने मतलब होते हैं, मतलब क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो दो तीन के तो आंसर्स उसी पे बेस्ड होते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसी कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो डीआई के क्वेश्चन में ना आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ चीजें ना रिपीट भी हो सकती हैं और डेटा बार बार यूज होता है, तो प्लीज आप अपने डेटा को सही से रखें, जो एक बार कैलकुलेट कर लिया उस पे आप ऐसे रखो कि दूसरे क्वेश्चन में वो डेटा ऐसा ना हो कि कटिंग कर दी या वो हट गया, थोड़ा सा उन सब चीजों पे फोकस करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे करते हैं, सिटी डी एज अप्रोक्सीमेटली मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। देखिए क्या पूछा है,
कि कितना मोर देन है। फर्दर आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके परसेंटेज में है, नंबर में ऑप्शन होते तो नंबर निकालते कि कितना मोर है। मोर पूछा है परसेंटेज ऑप्शंस में, तो परसेंटेज निकाल लिए। पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सिटी डी का पॉपुलेशन निकाल लीजिए। तो आप सबको पता है सिटी डी का पॉपुलेशन जो है ना 18.9% है, ठीक है। तो अगर ये 18.9% है, और अगर आपको याद हो सिटी डी भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको याद है कि सिटी डी की कितनी जनसंख्या थी, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो 20,79,900, ठीक है, 20,79,900। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़िए, उसमें हमने सिटी डी निकाला हुआ है 20,79 जो है ना 00। अब आप देखिए ये जो है 2,07,900 सिटी डी की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हमें उसमें टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमने वो पहले ही निकाला है। सिटी ई की बात कर लेते हैं। सिटी ई जो है ना 11 लाख का 1, 2, 3, 4, 5 का 17.5% है। तो आप क्या कीजिए, डेसिमल भी हटाइए, यहाँ पे एक जीरो और आ गया। तो अब आप देखिए थोड़ा सा इसे और अंडरस्टैंड कीजिए, तो ये आप 3 जीरो तो हटा ही दो और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिटी ई की जनसंख्या कितनी इजीली निकल जाएगी ना, कितनी निकलेगी आप बताइए मुझे। 2 जीरो तो आप लगा ही दो, फिर 11 पंजे 55, और आप इसे और सॉल्व कीजिए, 5 11 77, और 5 कितना हो गया है ना, तो 82, फिर 8 11 1 11 और 8 है ना। तो अब आप देखो कि आपका आंसर कितने इजिली निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया। अब आपको निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालिए पहले तो ना, आप इसमें से माइनस कीजिए। तो आपको दिख रहा है ये कितना है, 2,07,000, ये आपको क्या दिख रहा है, 1,92,000। तो सबसे पहले तो बड़े में से ना छोटे को माइनस कर दीजिए, तो 2 लाख और इसमें से हम क्या कर देंगे, 1,92,500 माइनस कर देंगे, तो कीजिए। तो अब आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो आगे, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और आप यहाँ पे देखिए कि 10 में से 9 गया 1। तो अब आपके पास कितना आया, 15,400। 15,400 का परसेंटेज निकाल लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में है, डी कितने, किसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी से अप्रोक्सीमेटली मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। तो अब आप देख सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है सिटी ई, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 15,400 जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो अपॉन में जाएगा, सिटी ई 192,500 इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और आप जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपका आंसर कितने पे जाएगा, जरा देख लीजिए, चेक कीजिए कितना परसेंटेज होगा जब आप 1925 को इसे डिवाइड करेंगे। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, और आप देखेंगे कि अगर आप 8 से करें, ठीक है, करके देख लीजिए, आप ना इसे सिंपली तरीके से भी कर सकते हैं, 5 से करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 8% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। आप सब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आप सही आंसर पर आते हैं कि नहीं आते, और इसका जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1925 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो अब देखिए 8 पंजे 40, 4 आदमी 16 20, ठीक है, और 2 8 ने ये 72 और 2 74, मतलब आप करीब करीब बिल्कुल 8 8 7 8 7 15, ठीक है ना। तो आप देखिए कि 15,400 आ रहा है, मतलब ये 8 से तो पूरे तरीके से कट रहा है। तो अब आप ये आपके ऊपर है, आपने इसे 5 5 करके सॉल्व कर लो, या आप इसे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कोशिश करो कि 1925 का देखो 8 पे जाता है क्या कोई ऐसा नंबर, मतलब ये आपको ना ट्रिक अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, कैसे आप डिवाइड करते हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला डीआई क्वेश्चन का जो डिस्कशन है ओवर हुआ, फिर हम नेक्स्ट डीआई क्वेश्चन के साथ आपके साथ लेके आएंगे। आप इन सब क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कीजिए, और अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए।